अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम यू पीपल, आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन एक्टिव डायरेक्टरी सिक्योरिटी। और इस सीरीज में वील सी के एक्टिव डायरेक्टरी की सिक्योरिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग किस तरीके से की जा सकती है। ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर और वील हैव अराउंड लाइक 3 to 4 लेक्चर्स, जिसमें से शायद एक आध हमारा जो सेशन है वो लाइव सेशन भी होगा और बाकी रिकॉर्डेड होंगे। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस कोर्स। ठीक है जी, सो वील सी के भाई एडी सिक्योरिटी होती क्या है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर एन एक्टिव डायरेक्टरी एंड डोमेन सर्विसेज, व्हाट कैन बी द इनिशियल अटैक वेक्टर्स टू योर एडी एनवायरनमेंट। वील डू सम पीटी एक्सरसाइजेस एंड हाउ कैन वी मॉनिटर आवर एडी इफ देयर इज सम एनोमलीज और एनी सॉर्ट ऑफ अटैक इज बीइंग कैरीड आउट ऑन योर एडी। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि जाहिर बात है एडी सिक्योरिटी की सीरीज है, तो मैनी ऑफ पीपल आउट देयर, ठीक है, वो सारे इंटरेस्टेड होंगे इसमें। ठीक है, तो दिस इज नॉट फॉर यू इफ यू आर अ न्यूबी। ठीक है, आपको एडी की बेसिक्स नहीं पता, आपको एडी की डिप्लॉयमेंट का नहीं पता, आपको जीपीओस नहीं पता, डीएनएस एफएसएमओ रोल्स नहीं पता। ठीक है, और यू आर डायरेक्टली जंपिंग इन टू एडी सिक्योरिटी, देन दिस कोर्स इज नॉट फॉर यू। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एटलीस्ट यू शुड नो द एडी बेसिक्स, यू शुड नो कि एडी को डिप्लॉय कैसे किया जाता है, एडी के फंडामेंटल्स प्रॉपर आपको पता हो, तो देन यू आर द राइट पर्सन टू अटेंड दिस कोर्स। सम ऑफ द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ दिस कोर्स इज के यू मस्ट नो के व्हाट इज एन एडी, व्हाट इज अ डोमेन कंट्रोलर, व्हाई डू वी नीड एडी, हाउ कैन वी इंप्लीमेंट एन एडी, व्हाट आर फॉरेस्ट स्कीमा, जीपीओस। ठीक है जी, एफ एस एम ओ रोल्स क्या हैं, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट द जीपीओ, व्हाट इज एल डेप, सो और इसके अलावा भी बहुत कुछ। ठीक है, तो यू मस्ट हैव दीज प्रीरिक्विजिट्स, और साथ ही मतलब दिस इज नॉट अ बेसिक लेवल कोर्स। ठीक है, इसके लिए मतलब आपको एक एक से दो स्टेप ऊपर होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप कहीं आपने कभी ना कभी सिक्योरिटी असेसमेंट की भी हो, भले एडी की नहीं की हुई, लेकिन यू हैव एन आइडिया के व्हाट इज अ सिक्योरिटी असेसमेंट, पेन टेस्टिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आपने काली लिनक्स किस तरीके से लोड करनी है, आपने जो है बर्प सूट कैसे इंस्टॉल करना है, इस कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। विल डायरेक्टली गेट इन टू द पीटी एक्सरसाइजेस और सो दिस इज अ टिप that security is about thinking out of the box. ठीक है, so if you are doing a security assessment exercise, if you are doing a PT, try thinking out of the box. इसकी एक एग्जांपल मैं दूंगा कुछ इस तरीके से कि अगर आप यहाँ पे देखें, if I try to run PowerShell, ठीक है, it says that this program is blocked by group policy. ठीक है, तो अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ग्रुप पॉलिसी क्या है, दैट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, तो ये मुझे कह रहा है कि भाई ये प्रोग्राम इज ब्लॉक्ड बाय ग्रुप पॉलिसी एंड आई कैन नॉट रन पावर शेल इन माई एनवायरमेंट। ठीक है, हमें आगे पावर शेल रन करने की भी जरूरत पड़ेगी फॉर रनिंग पावर शेल स्क्रिप्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म सिक्योरिटी असेसमेंट, ठीक है, ऑफ आवर एडी। तो वॉट आई कैन डू कि अगर मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स एक अप्रोच अप्लाई करता हूं और मैं पावर शेल को एक्सक्लूसिवली डाउनलोड कर लेता हूं फ्रॉम गिटहब एंड आई ट्राई टू रन द पावर शेल लाइक दिस। ठीक है, तो यू कैन सी के मेरे पास जो है पावर शेल रन हो चुका है। ठीक है, गेट प्रोसेसेस, ठीक है, तो ये मेरे पास पावर शेल रन हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो दिस इज हाउ कि ये मैंने पावर शेल किस तरीके से बाईपास किया, बाय थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आई गेट द पावर शेल रिपोजिटरी फ्रॉम द गिटहब, उसको मैंने डाउनलोड किया एंड देन मैंने पावर शेल एक ऐसे सिस्टम पे रन कर लिया जिसपे वो थ्रू ग्रुप पॉलिसी ब्लॉक था। ठीक है, तो इसी तरीके से सिक्योरिटी असेसमेंट के दौरान हम काफी सारी चीजें ऐसी टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होंगे जो कि लाइक
इज जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजीज जो कि कुछ हम यूज कर रहे होंगे, मोस्ट कॉमन टर्मिनोलॉजीज की यहाँ पे मैंने बात की, इसके अलावा बहुत सारी होंगी, ठीक है। तो ADDS एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन सर्विसेज, डोमेन कंट्रोलर, GPO, DA, EAB है, ठीक है। एंड इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन आर डोमेन कंट्रोलर या आप विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं और इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस, तो यू मस्ट ऑलरेडी बी अवेयर अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज, ठीक है जी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाई एडी सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। एडी सिक्योरिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दिस इज द की टू एंटायर किंगडम। कौन से किंगडम की बात हो रही है? जो आपका एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। आपके जितने भी सर्वर्स आपके डोमेन कंट्रोलर्स पे ज्वाइन हुए हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर्स डोमेन कंट्रोलर को ज्वाइन किए हुए हैं, इफ द एडी इज कॉम्प्रोमाइज, ऑटोमेटिकली आपके जितने सर्वर्स हैं, आपके जितने एंड पॉइंट्स हैं, वो सब कॉम्प्रोमाइज हो गए, ठीक है। एक एडी का सुपर अकाउंट, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कहते हैं, ठीक है, दैट इज इनफ, या अ डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इज इनफ टू कॉम्प्रोमाइज एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज द पार्ट ऑफ योर एडी एनवायरमेंट या डोमेन कंट्रोल एनवायरमेंट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलाइज ऑन माइक्रोसॉफ्ट एडी, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज के साइबर अटैक्स में एक मैसिव इंक्रीज आए इन दिस एरा, ठीक है। एंड एडी इज वन ऑफ द प्राइम टारगेट ऑफ थ्रेट एडवर्सरीज, ठीक है। दे नो कि इफ दे कैन कॉम्प्रोमाइज योर एडी, दे कैन गेट इन टू एनी ऑफ योर सर्वर, ठीक है। तो प्राइमरीली जो हमारे कोर सिस्टम्स होते हैं, लाइक अगर कोर बैंकिंग की बात कर रहे हैं या किसी ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसपे हमारा कॉन्फिडेंशियल या क्रिटिकल डेटा होता है, तो हम उसकी सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दैट सिस्टम इज पार्ट ऑफ डोमेन कंट्रोलर एंड डोमेन कंट्रोलर या हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी इज नॉट द कोर फोकस, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी पे हमने फोकस नहीं किया हुआ, तो दी थ्रेट एडवर्सरीज कैन कॉम्प्रोमाइज दी एडी एंड देन दे कैन बाय यूजिंग दी डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट दे कैन एक्चुअली गेट इन टू योर क्रिटिकल सर्वर एज वेल, ठीक है जी। दैट इज वाई एडी सिक्योरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट कैन बी द रिस्क ऑफ निग्लेक्टिंग एडी सिक्योरिटी, ठीक है। तो इफ योर एडी इज कॉम्प्रोमाइज, तो दी अटैकर कैन एक्सेस दी एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर डोमेन एनवायरमेंट, ठीक है। दे कैन मूव, दे कैन परफॉर्म लेटरल मूवमेंट, दे कैन स्प्रेड मैलवेयर्स, दे कैन डू रैंसमवेयर अटैक्स, ठीक है, बिकॉज दे हैव द सुपर एडमिन ऑफ योर एनवायरमेंट, सो दे कैन इनक्रिप्ट योर होल डेटा, ठीक है, एंड देन दे कैन डिमांड फॉर द रैंसम टू प्रोवाइड द की टू डिक्रिप्ट दैट डेटा, दे कैन स्टील योर डेटा, मॉडिफाई योर डेटा, एंड इवेंचुअली दे कैन लाइक इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ योर डेटा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन रिस्क दैट कुड हैपन वेन यू निग्लेक्ट द एडी सिक्योरिटी। अच्छा, मोस्ट कॉमन एडी अटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो एडी है दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज इफ यू हैव अनपैच वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। तो जो अटैकर है या जो थ्रेट एडवर्सरीज हैं, दे कैन डायरेक्टली एक्सप्लॉइट दोज वल्नरेबिलिटीज एंड दे कैन गेन एक्सेस टू योर डोमेन कंट्रोलर एंड एडी एनवायरमेंट। एडी की मिसकॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, लाइक यूजिंग डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस, माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड नहीं करता कि यू यूज डिफॉल्ट एडी कॉन्फ़िगरेशन या डिफॉल्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, बिकॉज दैट कैन एक्सपोज योर एडी टू मल्टीपल अटैक्स। सो यू नीड टू रिमूव डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड हार्डन योर एडी एज पर रिकमेंडेड कंट्रोल्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, वील टॉक अबाउट इट। अच्छा, अब्यूसिंग जीपीओस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एडी अटैक, ठीक है, हम इस पे बात करेंगे, इसकी हो सकता है हम लैब भी करें, जो रेड में मैंने बोल्ड किए हुए हाईलाइट किए हुए, हम इसकी लैब भी करेंगे। पासवर्ड स्प्रेइंग अटैक, पास दी हैश अटैक, पास द टिकट अटैक, MITM या स्निफिंग अटैक, ठीक है। तो दे कैन एक्चुअली स्निफ दी NTLM हैश ऑफ योर पासवर्ड एंड दे कैन डू द रिप्ले अटैक, दे कैन क्रैक दैट हैश इफ यू आर यूजिंग अ वीक पासवर्ड। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन एडी अटैक्स, और इफ यू वॉन्ट टू सी द डिटेल्ड लिस्ट ऑफ एडी अटैक, सो दिस इज द गिटहब रिपोजिटरी ऑफ स्विस की रेपो, और इफ यू गो हेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने तरह के एडी के अटैक हो सकते हैं, ठीक है। तो पास दैट सिल्वर टिकट अटैक, कैप्चरिंग एंड क्रैकिंग दी NTLM हैशेस, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज,
शेडो क्रेडेंशियल, डेंजरस बिल्ट इन ग्रुप यूजेज, ठीक है जी। तो इसको आप गो थ्रू करें एंड यू विल गेट टू नो के कितने तरह के एडी अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। बट दीज आर द सम ऑफ द कॉमन अटैक्स जिस पे मैं बात करूंगा, जिसके हम लैब भी करेंगे। अच्छा जी, अब हाई लेवल बात कर लेते हैं कि हाउ कैन यू सिक्योर योर एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। हाई लेवल बात कर रहे हैं और इसको डिटेल में भी हम देखेंगे। तो द फर्स्ट थिंग, इंप्लीमेंट द बेस्ट प्रैक्टिसेस एज रिकमेंडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में एक बात की थी कि माइक्रोसॉफ्ट आपको एडी को सिक्योर करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है, ठीक है। तो यू एक्चुअली एक्चुअली नीड टू गो थ्रू दोस बेस्ट प्रैक्टिसेस और अपने एडी के एनवायरनमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करें। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्या, हम इसको डिटेल में बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबली इन कमिंग लेक्चर्स। अच्छा, उसके बाद हार्डन एडी एज पर सिक्योरिटी बेंचमार्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट एडी एंड डीसी, ठीक है। सीआईएस बेंचमार्क्स विंडोज सर्वर 2019 के जो है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को भी हम रिव्यू करेंगे, ये यहाँ पे मैंने अटैच किया हुआ है, बट इन मोस्ट प्रोबेबली इन कमिंग लेक्चर्स, ठीक है। उसके बाद यू कैन एक्चुअली बिल्ड प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज टू इम्प्रूव और इम्प्लीमेंट एडी सिक्योरिटी, ठीक है। आप पॉलिसीज बना सकते हैं, यू कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस। वो क्या हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। बट दिस इज जस्ट दी हाई लेवल ओवरव्यू। हाई लेवल ओवरव्यू का मतलब है कि अभी सिर्फ जो है हम इसको ड्रोन व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी, लाइक हाउ वी कैन यूज टेक्नोलॉजी लाइक एंड पॉइंट सिक्योरिटी, पासवर्ड फिल्टरिंग सोल्यूशन यूजिंग द पैम, ठीक है, टू एक्सेस द एडी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू हैव अ मॉनिटरिंग सोल्यूशन, ठीक है। लाइक आपने ईडी के तमाम लॉग्स सीम पे फॉरवर्ड करवा दिए एंड यू हैव अ डेडिकेटेड 24/7 मॉनिटरिंग टीम दैट मॉनिटर्स फॉर एनोमलीज एंड सस्पिशियस इवेंट्स इन योर ईडी एनवायरनमेंट, ठीक है जी। सो Q&A के लिए वील डू अ लाइव सेशन, ठीक है। और दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन एक्चुअली ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगा कि उनको नेक्स्ट लेक्चर में उनको भी आंसर कर दूं, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।